फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डोज, इसमें हमने फैक्टर्स किए थे, जिसमें हमने लास्ट फैक्टर किया था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करेंगे, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो ड्रग्स लेते हैं हम, कुछ ड्रग्स क्या होती हैं विदाउट जो कईयों का है जो एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ जो ड्रग्स होती हैं एम्प्टी स्टमक उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो वो एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसमें जो डोज रिक्वायर्ड होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है। लेकिन अगर कुछ ड्रग्स को मील्स के साथ लिया जाए, मील्स ली हैं, फूड है, फूड के साथ अगर वो ड्रग ली गई है, ठीक है, तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली एम्प्टी स्टमक के कंपैरेटिवली वो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होगा। स्लो एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो डोज होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसको अगर हम एम्प्टी स्टमक देते हैं, खाली पेट लेते हैं, तो वो इरिटेशन कॉज करती है और कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग और जीआई ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, क्लोरोक्विनिन हो गया, ठीक है, क्लोरोक्विनिन, फॉस्फेट, एस्पिरिन, ये इस तरह की ड्रग्स हैं जिसको अगर खाली पेट एम्प्टी स्टमक लिया जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इन ड्रग्स को हम एम्प्टी स्टमक नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें जो फिजिशियन होता है उसकी और फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि उसको प्रॉपर टाइम एडवाइस करें कि किस टाइम पे एडमिनिस्टर करना है, कौन सी मेडिसिन को खाने के साथ लेना है, कौन सी मेडिसिन को एम्प्टी स्टमक लेना है। बहुत से एंटासिड्स होते हैं जिनको एम्प्टी स्टमक कहा जाता है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक उसका एब्जॉर्प्शन और जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो बेटर रहता है इंस्टेड की आफ्टर मील्स, मील्स के बाद जो फूड है, फूड के बाद अगर लिया गया है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फैक्टर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी ड्रग को कब एडमिनिस्टर करना है उससे भी डोज के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर खाली पेट लेंगे तो डोज कम रिक्वायर्ड होगी, अगर हम मील्स के साथ लेंगे तो डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं ड्रग्स के, जैसे क्विनिन आयरन हो गया, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट हो गया, इस तरह की जो ड्रग्स हैं उसको उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो रिस्पॉन्स नहीं करता एम्प्टी स्टमक, तो उसको मील्स के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो ये ड्यूटी बनती है कि एक प्रिस्क्राइबर की, एक फिजिशियन की या फिर फार्मासिस्ट की, कि उसको प्रॉपर टाइम बताया जाए कि किस टाइम कौन सी मेडिसिन लेनी है, किस फ्रिक्वेंसी से लेनी है, ताकि वो ऑप्टेन कर, टू ऑप्टेन द एब्सोल्यूट थेरेपेटिक इफेक्ट, जो उसका थेरापेटिक इफेक्ट है वो शो कर सके। ठीक है, डिजायर्ड जो एक्शन है वो बॉडी में, बॉडी सिस्टम में अपना शो कर सके। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फैक्टर। उसके बाद अगला जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, एनवायरमेंट भी डोज को इफेक्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग है, हाई होनी चाहिए डोज या फिर लो होनी चाहिए, ये भी डोज को इफेक्ट करता है। ये कैसे इफेक्ट करता है, इसकी एनवायरमेंट की बात करें तो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, बार्बिट्यूरेट्स हैं, ठीक है, कुछ जैसे कुछ बार्बिट्यूरेट्स हैं, ठीक है, इसमें क्या बता रखे हैं, जो बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग हैं, सेडेटिव्स में आ जाते हैं, तो इसमें जो डोज होती है बार्बिट्यूरेट की, अगर हम उसको डे टाइम में लेंगे, डे लाइट में, ये कम इफेक्टिव होता है, तो इसकी डोज बढ़ जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस को या फिर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसकी डोज को बढ़ाया जाता है अगर हम बार्बिट्यूरेट्स को डे टाइम में लेंगे, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू नाइट, क्योंकि रात में जो मोड होता है वो स्लीपिंग मोड ही होता है, और उस टाइम अगर एडमिनिस्टर की गई है ये बार्बिट्यूरेट्स, जो कि सेडेटिव्स होते हैं, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, तो ये क्या करती हैं, उसमें लो डोज में
अपना इफेक्ट शो करती है। तो ये डिफरेंस है एनवायरमेंटल फैक्टर में बता रखा है कि डे लाइट और जो नाइट लाइट होती है वो डोज को कैसे इफेक्ट करती है। डे लाइट में तो बार्बिट्यूरेट्स की लेस डोज रिक्वायर्ड है, हाई डोज रिक्वायर्ड है, लेकिन जो नाइट में है वो लेस डोज रिक्वायर्ड है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी इफेक्ट करता है डोज को, क्योंकि उसमें क्या होता है जो बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट करता है, फार्माकोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी की फंक्शनिंग में, इसके कारण जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है टू डिसाइड द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो कि एडमिनिस्टर करनी है, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड एक्शन या फिर डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हिप्नोटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हिप्नोटिक्स नाइट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, एज कम्पेयर, ये भी उसी में सेडेटिव्स में ही आ जाता है, एज कंपेरेटिव टू डे लाइट के कंपेरेटिवली। ठीक है, और एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं जैसे अल्कोहल की बात करते हैं, जो अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं तो अल्कोहल क्या करती है, जो हिपेटिक एंजाइम है ना उसको इंड्यूस कर देती है। अब हिपेटिक एंजाइम है वो इंड्यूस हो गया तो जो मेटाबॉलिज्म है कुछ ड्रग्स का वो फास्ट होने लग जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है तो इट मींस लेस डोज रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है, एनवायरमेंट फैक्टर की बात करें, जो अल्कोहल की कंजप्शन होती है, अगर हम विंटर या फिर समर की बात करें, विंटर में ये ज़्यादा टॉलरेटेड होती है, ठीक है, बेटर टॉलरेटेड होती है देन समर से, तो विंटर्स में इसकी लो डोज भी सफिशेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे डोज को इफेक्ट करता है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज कर देता है फंक्शन ऑफ द बॉडी के अंदर, जिसके कारण जो ड्रग का इफेक्ट है वो भी लो या हाई हो जाता है। उस इफेक्ट के कारण डोज भी डिसाइड की जा सकती है कि लो डोज में इफेक्टिव है या हाई डोज में इफेक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर, इमोशंस भी अफेक्ट करते हैं किसको, डोज ऑफ ड्रग में। ये कैसे इफेक्ट करते हैं, ये एक तरह की बॉन्डिंग है, जैसे जो भी फिजिशियन है उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे बिहेवियर है, वो पेशेंट को कैसे डिटेक्ट करता है। ये मोस्टली उन केसेस में होता है जो कि साइकोटिक ड्रग्स होती है, ठीक है, उन केसेस में ये सिस्टम होता है कि इमोशनल बिहेवियर देखा जाता है, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, तब जैसे मान लो डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो उनको बार बार ऐसा लगता है कि जो ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ड्रग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज उस तरह की नहीं है, लेकिन पेशेंट ऐसा फील करता है कि जो ड्रग है जितनी भी वो अमाउंट ले रहा है वो इफेक्टिव नहीं है। तो फिजिशियन है उसकी ड्यूटी होती है कि उसको डायग्नोस कर ले कि इतनी अमाउंट सफिशिएंट है, कहीं ऐसा ना हो वो इस तरह की ड्रग है उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसकी हाई डोज बढ़ाता जा रहा है और मे बी वो कुछ और एडवर्स इफेक्ट शो करे। तो उस केस में जो डॉक्टर होता है, जो प्रिस्क्राइबर होता है, वो क्या करता है, प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करता है। प्लेसिबो क्या होती है, ये इनर्ट डोसेस फॉर्म होती है। प्लेसिबोज क्या होती है, प्लेसिबोज आर इनर्ट डोजेस फॉर्म, जिसमें क्या होता है, जो बिल्कुल सिमिलर टू द एग्जैक्ट जो ओरिजिनल डोजेस फॉर्म की तरह होती है, लेकिन इसमें एक्टिव थेरेपेटिक एजेंट नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल इनर्ट डोजेस फॉर्म होती है। बस ये माइंड सेट कर देती है कि जो डॉक्टर है, जो प्रिस्क्राइबर है या फिजिशियन है, उसने डोज रिकमेंड की है, उसने ड्रग प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, तो उसको पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो इफेक्टिव है। तो इमोशनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डोज को डिसाइड करने में। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज इमोशनल फैक्टर। अब जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स होती है मेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा इमोशन होती है, तो उनमें कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो लो डोज की ड्रग उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। जो इमोशनल फैक्टर भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम करते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डिजीज।
प्रेजेंस ऑफ डिजीज, पहले से ही कोई डिजीज है, ठीक है, तो वो कैसे डोज को डिसाइड करने में हेल्पफुल होएगा। अब हम डिजीज की बात करें, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, कुछ ड्रग्स होती है इस तरह से, जैसे बारबिट्यूरेट्स हो गई, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन हो गई, इस तरह की ड्रग्स है, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, ये जो क्लोरप्रोमाजिन है, ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है, उसकी कैटेगरी में आती है, तो ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट है, लंबे समय तक ये दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। अब कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले इफेक्ट उसका मेन किस पे होगा, जहाँ से जो ड्रग एलिमिनेट होती है, तो ये मेन कॉज क्या कर देती है, लीवर पे इफेक्ट करती है, लीवर सिरोसिस कर देती है। लीवर सिरोसिस मींस डैमेज टू लीवर बाय एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण डैमेज हो जाना, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का, वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, वहां से एक्सक्रीशन होता है ड्रग का। अब कुछ इस तरह की डिजीज है पहले से ही, जिसके कारण क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ड्रग का, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में अगर वो एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो पा रही, उसमें अगर हम लो डोज देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती। तो उस बेस पे कि पहले से कोई डिजीज है, उस बेस पे कितना उसका इफेक्ट है, ये डोज को डिसाइड किया जाता है कि डिजीज किस तरह की है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, जो कि किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है, कई बार क्या होती है, ये टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, जब किडनी प्रॉपरली वर्क प्रॉपरली काम नहीं करती, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या होती है, फीवर होते हैं, फीवर होने के कारण उनको क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। कुछ पेशेंट तो इस तरह के होते हैं कि थोड़ी सी डोज में भी रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं उतनी ही डोज जितनी उतनी ही डोज में रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उनका जो अब नॉर्मल पर्सन है उसको अगर हमने एंटीपायरेटिक दी तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि उसमें तो फीवर है ही नहीं। जिस पेशेंट में जो कि द पेशेंट विच इज हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसमें एंटीपायरेटिक एक्शन शो करेगा, थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा, लेकिन जिस पर्सन में फीवर है ही नहीं उसमें वो एंटीपायरेटिक एक्शन शो नहीं करेगा। तो ये बताया है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, डिजीज का होना भी जरूरी है। अगर मान लो वो डिजीज नहीं है, नॉर्मल पर्सन को आप कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो अपना कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो मे बी टॉक्सिक इफेक्ट शो कर ले, एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है, अगर उसकी डोज हाई हो, लो डोज पे नहीं करेगी। तो इस तरह से ये जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ये भी डोज को इफेक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन नेम से क्लियर है, कोई चीज एक्यूमुलेट होना, इकट्ठी होना, सॉरी। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी एक्सक्रीशन बहुत स्लोली होती है, बहुत धीरे धीरे वो एक्सक्रीट आउट होती है, जिसके कारण क्या होती है, वो एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है, एक्यूमुलेट होने लग जाती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन हो जाती है उनकी बॉडी में। अब वो एक्यूमुलेट हो गई वो ड्रग, तो उसके कारण क्या होता है, वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर मान लो जो ड्रग है उसको बार बार यूज कर रहे हैं, रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, कि कुछ इस तरह की डिजीज है उसको बार बार यूज करना पड़ रहा है, बार बार एडमिनिस्टर रिपीटेडली एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग को, सॉरी, तो उसमें क्या होता है, जैसे डिजिटेलिस हो गया, ठीक है, कुछ हैवी मेटल्स हो गई, या फिर इमेटिन हो गई, ये एग्जाम्पल्स हैं उस ड्रग के। जैसे जो इमेटिन होती है वो क्या होती है, इंड्यूस वॉमिटिंग इंड्यूस ड्रग होती है, ठीक है, तो वो एक्सक्रीट स्लोली हो रही है, तो उसमें डोज डिसाइड करनी पड़ती है। वो एक्सक्रीशन नहीं हो रही, डोज अगर हाई दे दी तो वो क्या करेगी, वो दोबारा से एक्युमुलेट हो जाएगी, तो उस केस में क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, इसलिए उसको क्या दिया जाएगा, लो डोज दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन में क्या होता है, जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है,
एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है, जो स्लोली एक्सक्रीट आउट होती है, तो उसमें बहुत उसकी हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, वो एक्युमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, या तो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होना है वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, या फिर एक्सक्रीटरी पार्ट में इकट्ठी होगी, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती। अब एक्युमुलेट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, और उसमें क्या होता है, जो इफेक्ट है वो कैसा प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब वही ड्रग दोबारा देंगे तो वो क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें क्या होती है, जो डोज होती है वो लो देनी पड़ती है, हाई डोज देंगे तो मे बी हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसके कारण पेशेंट को सफर करना पड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया एक्युमुलेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद जो फैक्टर है वो आ जाता है एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट नाम से क्लियर है, एडिशन देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो ड्रग्स हैं, ठीक है, उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो दोनों ड्रग का जो भी एक्शन होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, वो क्या होता है, टोटल इंडिविजुअल एक्शन शो करती है वो दोनों ड्रग, ठीक है, वो समअप हो जाता है, तो उसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट, अपना अपना इफेक्ट शो करना, वो एडिशन होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक ड्रग ए दी है, एक ड्रग बी दी है, तो ड्रग ए अपना इफेक्ट शो करेगी, तो ड्रग बी अपना इफेक्ट शो करेगी, तो वो इंडिविजुअल जो इनका इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, समअप हो जाएगा, जिसमें एडिशन हो जाएगी, तो उसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। अगर हम इसमें कुछ, इसको एडिटिव फिनोमेना भी कहते हैं, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसमें एडिशन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में जैसे इफेड्रिन एंड अमाइनोफाइलिन, इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है इफेड्रिन, तो इसमें क्या होता है, जो इफेक्ट होता है ना वो एडअप हो जाता है, क्योंकि देखो एमिटिन का भी अपना इफेक्ट है, जो इफेड्रिन है उसका भी अपना इफेक्ट है, और अमाइनोफाइलिन है उसका भी अपना इफेक्ट है, तो इस केस में दोनों एडअप हो रहे हैं, दोनों के इफेक्ट की एडिशन हो रही है, तो डोज क्या, कम डोज में भी वो अपना डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन या डिजायर्ड थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट में एग्जांपल भी हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा सिनर्जिज्म, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज सिनर्जिज्म। ठीक है, सिनर्जिज्म की बात की जाए तो इसमें भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन दी जाती है, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स है, टू और मोर देन टू ड्रग्स को कॉम्बिनेशन कंबाइन करके दिया जाता है, ताकि टू एनहांस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। अब एडिटिव में तो एडिशन हो रही थी, एक ड्रग थी दूसरी ड्रग थी, वो अपना अपना एक्शन इंडिविजुअल एक्शन शो कर रही है। ठीक है, जैसे इफेड्रिन थी और अमाइनोफाइलिन, अपना अपना एक्शन शो कर रही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो इसलिए कंबाइन किया जाता है, दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को इसलिए कंबाइन, ताकि जो एक्शन है उसको एनहांस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए दिया जाता है, उसको सिनर्जिस्टिक ड्रग्स कहा जाता है, जो दो ड्रग्स हैं कॉम्बिनेशन में दी जाती है फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फॉर द एनहांसमेंट ऑफ डिजायर्ड थेरेप्यूटिक एक्शन जो कि रिक्वायर्ड है, उसको सिनर्जिस्टिक ड्रग कहा जाता है, एंड द फिनोमिना, जो ड्रग्स ये फिनोमिना शो करती है उसको सिनर्जिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, प्रोकेन और एड्रिनलिन, जो कि कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक है, जो प्रोकेन है वो लोकल एनेस्थेटिक है। ठीक है, एड्रिनलिन क्या है, जो एलर्जी रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। कई बार क्या होता है, जो प्रोकेन है अकेला अगर इंडिविजुअली दिया जाता है तो वो अपना प्रॉपर इफेक्ट नहीं शो करता, अगर उसको प्रोकेन को एड्रिनलिन के कॉम्बिनेशन में दिया जाए, जो प्रोकेन है, प्रोकेन इन कॉम्बिनेशन विद एड्रिनलिन, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो ये क्या करेगा, एनहांस कर देगा, एनहांसेस द थेरेप्यूटिक एक्शन।
जो थेरेपेटिक एक्शन है, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है, उसको बढ़ा देगा। ये काम किसका है? सिनर्जिस्टिक ड्रग्स का, जो कि सिनर्जिज होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है, प्रोकेन का, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार ये अकेला अलोन इफेक्टिव नहीं होता, तो इसको एड्रेनालिन के साथ दिया जाता है, इससे सिनर्जिज्म हो जाता है, यानी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है ड्रग, और थेरेपेटिक इफेक्ट भी बढ़ जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है प्रोकेन का, वो भी एनहांस हो जाता है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म में क्या होता है, कभी भी दो ड्रग दी गई है, ठीक है, तो एक ड्रग है, दूसरी ड्रग उस ड्रग के इफेक्ट को अपोज कर रही है, ठीक है। मान लो कोई ड्रग दी गई है आपको, कई बार फिजिशियन ऐसे कहता है कि ये दोनों साथ में नहीं लेनी, इसमें इतने दिन का गैप लेना, ये घंटे बाद ले लेना, तो वो क्यों कहता है, इसलिए क्योंकि वो एंटागोनिस्टिक होती है, अपोज करती है एक एक्शन, एक दूसरे के थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को, या फिर हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी वो क्या करती है, अपोज करती है, जिसके कारण क्या होता है, वो टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर जो पर्टिकुलर ड्रग है उसके एक्शन को डिमिनिश यानी खत्म भी कर सकती है। तो ये एंटागोनिस्ट हो गया, जो एक्शन ऑफ वन ड्रग अपोज बाय द अदर ड्रग इन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी ड्रग के कारण एसिड पॉइजनिंग हो गई, कई बार इंटेंशनली भी दिया जाता है, एसिड पॉइजनिंग हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो एसिड पॉइजनिंग का जो इफेक्ट है उसको अपोज करता है, इसलिए उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एंटागोनिज्म, जो दो ड्रग्स हैं आपस में अपोज करती हैं इन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, उसको एंटागोनिस्टिक ड्रग कहते हैं। एंड द फिनोमिना, जो दो ड्रग्स हैं वो ये फिनोमिना शो करती है, उनको दैट फिनोमिना इज नोन एज एंटागोनिस्ट। जैसे एग्जांपल में आपको एसिड पॉइजनिंग का बताया कि कुछ ड्रग्स हैं एसिड पॉइजनिंग कर देती है, जिससे क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। अब वो एसिड पॉइजनिंग है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम करेगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसकी पीएच है एसिडिक है, उसको अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद कुछ फैक्टर्स और हैं, जैसे इडियोसिंक्रोनेसी। इडियोसिंक्रोनेसी क्या होती है, ये मैं इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, इडियोसिंक्रेसी मींस कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, अगर कोई भी ड्रग है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स शो कर रही है, ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स यानी जो, जैसे मान लो अब पीसीएम है, एंटीपायरेटिक एक्शन है, लेकिन वो एंटीपायरेटिक एक्शन शो ना करते हुए कुछ और एक्शन शो कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई पेन किलर है, ठीक है, पेन किलर है, उससे पेन को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रही है, सेडेशन कॉज कर रही है, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, जो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, वो ना शो करते हुए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसको इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। और इसको आजकल मॉडर्न डेज में हम एलर्जिक रिएक्शंस भी कह देती, भी एलर्जी कॉज करती। इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड, इससे कुछ जो पर्सन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट क्या हो गए, टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्यूनिन है, क्यूनिन की स्मॉल डोज है, कई पर्सन उसकी सेंसिटिविटी के कारण उसकी स्मॉल डोज में भी इस तरह का इफेक्ट शो होता है, जैसे ईयर में रिंगिंग हो रही है, कुछ बज रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जो एस्प्रिन है वो गैस्ट्रिक, उसकी स्मॉल क्वांटिटी भी गैस्ट्रिक हेमरेज यानी गैस्ट्रिक डैमेज कर देती है, यानी एलर्जिक रिएक्शन करती है, उसको
इडियोसिंक्रेसी कहते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी भी कह सकते हैं। ये भी एक फैक्टर है। इसके बेस पे भी डिसाइड किया जाता है कि कितनी डोज देनी, क्योंकि कुछ पर्सन क्या होते हैं पर्टिकुलर ड्रग्स से सेंसिटिव होते हैं। कईयों को पीसीएम का इफेक्ट नहीं होता, कईयों को किसी ना किसी चीज की एलर्जी होती है, टॉक्सिक रिएक्शन शो करते हैं, उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डोज के। कुछ फैक्टर्स और भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे फैक्टर्स कवर हो गए इस लेक्चर में, सिर्फ दो तीन फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अभी सिर्फ इतना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।